भाई आज तो इसकी दस। तो भाई ये हालत कर दी भाई, मैं तो पूरा मिट्टी में हो गया यार। ये देखो भाई ये हालत कर दी इन्होंने। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास है स्कॉर्पियो S11। अभी एक महीने पुरानी गाड़ी है और अभी इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा आगे क्लिप दिखाऊंगा ना। हाल ही में इसमें अभी दो दिन पहले ना इसके अंदर इसके जो सारे सीट कवर है ना, पूरी रेक्सिन मैट वगैरह सब कुछ चेंज करवाया है। लेकिन भाई इसके ऑनर इसको किस तरह से रखते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी हम थोड़ा आगे रुक के और फिर बताऊंगा मैं आपको इसकी पूरी मतलब सारी चीज़ दिखाऊंगा कि दो दिन में इसकी क्या हालत कर दी भाई इन्होंने। और उसके बाद में हम बात करेंगे इस करंट जनरेशन की स्कॉर्पियो और नई स्कॉर्पियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अब आप एक बार ये क्लिप देख लीजिए जिसके अंदर हमने अभी हाल ही में दो दिन पहले इसके अंदर जो इसकी पूरी सीटें वगैरह सब कुछ नया लगवाया था भाई। ये है स्कॉर्पियो S11 और इसके अंदर जो है पूरी अंदर से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, बिना सीट के कुछ ऐसी लगती है भाई। ये देखो कबाड़ सा हो रखा है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो है इसके सीट कवर और रेक्सिन मैट का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी रेक्सिन मैट है ये इंस्टॉल कर रहे हैं और कुछ इस तरह की दिखती है। उसके बाद में देखते हैं इसका कैसे लगती है ये। ये भाई इसके सारे सीटें खोल गए इन्होंने, अब इंस्टॉल करेंगे इनको। पहले से इनके ऊपर कवर लगाएंगे, इस तरह से इनका इंस्टॉलेशन होता है। आप देख सकते हैं सबसे मुश्किल काम है इनकी सीटों के कवर लगाना। कितना टाइम लग जाएगा भाई इनको? इसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे सर। 3-4 घंटे में पूरी सीटें करेंगे भाई? हाँ। इतने में तो पूरी गाड़ी की सर्विस ही हो जाती है। कैप्टन सीटें हैं सर ये। अच्छा तो भाई अब मैं आपको इसके अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ एक बार पूरी खोल के। इसकी मतलब दो दिन पहले पूरी फिटिंग हुई, आपने देख ही लिया क्लिप में। और अब जो है इसकी मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाता हूँ क्या इसकी हालत हो चुकी है। भाई कैमरा मेरे को दे दो एक बार। ये देखो भाई, मतलब इसके ओनर है ना भाई गांव से हैं, तो वो चारा वगैरह भी इसी के अंदर लेने जाते हैं। और ये देखो भाई इसके अंदर जो इनको ना हमारे गांव में जो चारा वगैरह लेके जाते हैं इसको पल्ली बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर रख रखे हैं। अभी जब आए थे ना तो उसको खाली करके आए थे। ये देखो भाई, कोई बता सकता है कि इसके अंदर दो दिन पहले सीटों की फिटिंग वगैरह हुई है? नए सीट कवर लगे हैं भाई, बता ही नहीं सकता कोई। ये देखो क्या हालत कर रखी है इसके अंदर ना। म्यूजिक सिस्टम भी इन्होंने नया लगवाया है अलग से बाहर से। ये देखो भाई इधर से भी इसकी क्या हालत कर रखी है, मतलब पूरी गाड़ी को मतलब यार इतनी 22 लाख रुपये की गाड़ी है, 22-23 लाख रुपये की गाड़ी है और मतलब कोई वो ही नहीं है कि चलो थोड़ा सा सफाई से रखे या कुछ वो है। मतलब गांव में लोगों को टेंशन नहीं है कि भाई चलो पैसे ही तो लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे काम में लेना है ना वैसे काम में लेते हैं और भाई इसकी ये हालत कर रखे हैं। तो भाई मैं हूँ आपका दोस्त संजय, आप सभी के लिए आज एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अभी मैंने आपके इसके बारे में तो बता ही दिया कि इसकी क्या हालत हो चुकी है, ये इसकी करंट जनरेशन है। अब हम बात करेंगे नई जनरेशन के बारे में और ये इन दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो कैसे कैसे आ रही है, क्या अभी महिंद्रा ने क्या कुछ लॉन्च किया है, क्या कुछ बताया है नई जनरेशन के बारे में, वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ करंट जनरेशन की, तो इसके जो भी स्कॉर्पियो फैंस हैं, स्कॉर्पियो लवर्स हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो महिंद्रा है उसने अभी तक इस मॉडल को डिसकंटिन्यू नहीं किया है और आगे भी इसको नहीं करेगा। हाँ अगर थोड़ा सा एक चेंज किया गया है तो वो है इसके नाम में। अब ये स्कॉर्पियो जो है ना स्कॉर्पियो S11 के नाम से नहीं बल्कि स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से आएगी। आई थिंक अब जून के बाद में जो भी बुकिंग होगी, जो भी नई गाड़ी आएंगी, वो सब स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से ही ये मॉडल आएगा, जिसका अभी 2 से 3 दिन पहले ही स्कॉर्पियो ने नया टीजर लॉन्च किया था, जिसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। ये देखिए मुबारक हो, बाप हुआ है।
नाम है एन स्कॉर्पियो एन द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज इज हियर। तो भाई महिंद्रा ने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से है ना इसको प्रेजेंट किया है नई वाले स्कॉर्पियो को, वो भी अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में। और मतलब पिछले एक साल से ना लोगों की जो उत्सुकता थी ना वो बहुत ज़्यादा थी स्कॉर्पियो को लेके, और मतलब बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था कि पहले तो टीज़र दे रहा था, एक छोटा सा टीज़र दिया था जिसमें नई वाली स्कॉर्पियो का जो इन्होंने प्रोफाइल और कुछ साइड प्रोफाइल दिखाया था। हालांकि जो नया टीज़र आया उसके अंदर बैक प्रोफाइल अभी भी नहीं दिखाया है, उसमें हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है ना बैक प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है इसलिए उसने बैक प्रोफाइल को प्रेजेंट नहीं किया गया है। लेकिन अब देखते हैं 27 जून को जब आ रही है उसके बाद क्या होता है, किस तरह की वो गाड़ी आ रही है। दोस्तों नई वाली स्कॉर्पियो की बात करें ना तो, और इन दोनों में बात करें ना, अगर हम इसकी बैक साइड की बात करते हैं तो नई वाली स्कॉर्पियो में टीज़र में जहाँ तक दिखाया जा रहा है इसका बैक साइड थोड़ा ऊपर की तरफ आता है और उसका जो बैक साइड है ना वो थोड़ा नीचे दिया गया है, यानी कि फॉर्च्यूनर वगैरह में जैसा आता है ना वैसा थोड़ा किया गया। और उसकी लंबाई की बात करें ना आई थिंक मेरे हिसाब से वो भी थोड़ी सी इससे ज़्यादा होने वाली है। और भी हालांकि इसका उसका जो इंटीरियर है ना वो अभी इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है और उसके ज़्यादा लीक नहीं हुआ है, बट उसका जो ऑल ओवर बाहर का प्रोफाइल है ना वो सब कुछ आ चुका है। तो अभी कुछ लोग जो है इसके बैक साइड को और उसके बैक साइड को वेगनार से कंपेयर कर रहे हैं, ये पोस्ट देखिए आप यहाँ पे लोग जो इसको वेगनार से कंपेयर कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल अलग आ रहा है। कि जब महिंद्रा निकाल रहा है ना कुछ अलग तो बहुत ही अलग होने वाला है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहेगा वो भी उस पर नया वीडियो हम लेके आएंगे 27 जून को ही आ रहा है। हो सकता है हम आपके लिए 27 जून को या फिर 28 जून को ही इसका वीडियो आपके लिए लेके आए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोज लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।